So according to you, मजुके was not pure मारवाड़ी? According to me, क्योंकि मजुके जो है वो लंबा घोड़ा है, उसकी बेल ज्यादा है, जो हम लोग कई लोग अच्छा समझते हैं, हम भी अच्छा समझते हैं, लेकिन वो मारवाड़ी की ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स है जो उनसे बाहर आ जाता है। क्या नाम है घोड़े का? अकबर। अकबर, हाँ जी। कहाँ ले चले मॉर्निंग वॉक के लिए? हाँ जी, बस घर लेके जा रहे थे आज। आज खत्म? हाँ जी, हाँ जी। तो लोग आएंगे नहीं अभी? नहीं, बस अभी तो मतलब सेल परचेज का ज्यादा होगा काम। बहुत से लोग सिर्फ ऊपर पीठ पर डाल देते हैं, आपने ये प्रॉपर इसको कान पे ठंडा लगे। मैं इनको क्या गर्म खाना आप देते हो? थान करने वाली? थान करने वाली का मतलब ऐसे तो बॉडी प्रेग्नेंट होती है। तो आप बता रहे थे इन ब्रीड और लाइन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आप अभी क्या होता है ना, अभी घोड़ी मान लो अभी अलीशान का ही घोड़ा है और अलीशान ब्लड लाइन की घोड़ी है। सिम्टम्स बताओगे जब घोड़े को ग्लैंडर्स होने वाला है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ? आपने रुस्तम को बाहर निकाला एज ए विनर, कुछ देर बाद कोई और ओनर लेके खड़ा हुआ है। मैंने ऐसा आता है कि सर की जो हॉर्सेस में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है लेमनाइटिस की। पहली मरतबा आया हूँ भटिंडा एयरपोर्ट, बहुत आउटस्कर्ट्स में है। हाय, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। आज है माय लास्ट डे, द 16th ऑफ जनवरी 2024, और मैं जा रहा हूँ मुक्सर मंडी कवर करने और एक लास्ट ब्लॉग बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। अंटिल वी मीट अगेन, होपफुली इन दशहरा मंडी और नेक्स्ट ईयर। सो आ गया हूँ मैं मुक्सर घोड़ा मंडी। आवाज़ थोड़ी डाउन है बिकॉज ऑफ कोल्ड। माइक जो है प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि वो जो ऑटो वाला है इतना तेज़ चला रहा था और गड्ढे दिख नहीं रहे थे उसको, और वो ई रिक्शा में तो इतना उछलता है। सो इट जस्ट फेल, माइक गिर गया बाहर, ऊपर से गाड़ी चली गई। एंड आज जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो माइक के बिना होगी, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। Look at the fog, man. There's something about the horse show here. Faridkot show is on 1st to 3rd March. एक्चुअली मुझे निकलना है 11:30 बजे भटिंडे के लिए, सो मैं जल्दी आया हूँ। एंड सारे घोड़े अंदर है मेरे ख्याल से और लेके चले गए, आई डोंट नो, ठंडी इतनी है। गुड मॉर्निंग सर, आपके घोड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? भगत सिंह जी। तुझे भी बनाई थी कोबरे की वीडियो। किंग कोबरा आपका था? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कैसे? ये भी आपके? अपने। अच्छा, तो इतने सारे खाली लग रहे हैं, क्या घोड़े चले गए क्या ठंड की वजह से अंदर है? हाँ, घोड़े चले गए, बड़े घोड़े तो चले गए सभी। तो आज आखिरी दिन है? नहीं, कल को भी रहेगा। आप कब तक के हो?
हम तो अभी हैं जहाँ पे हैं 19 तारीख तक। ओके, ये बेचने लाए हो? बेचने के लिए। तो बिके नहीं यहाँ तक? अभी तो क्राउड तो इतना सारा था कल और परसों, इतना क्राउड था फिर भी बिका नहीं? नहीं ऐसा नहीं, ये जो देखने वाले ज्यादा होते हैं जो घोड़े खरीदने वाले, वो तो कल और आज चलेंगे। अच्छा, वो खाली रहता तो आते हैं। हाँ जी हाँ जी। बताओगे इनके प्राइसेस? जरूर। वैसे आपका नंबर क्या है? नंबर अपना 98553-58226। और नाम आपका? भगत सिंह। कहाँ के रहने वाले? तुंग वाली पेंट, जहाँ पे एडम घोड़ा भी। ओके ओके। ठंड बहुत है ना इस बार? ठंड इस बार ज्यादा है। ठंड बहुत है, आप तभी सर्दी लगी। फुल प्रिकॉशन के साथ है। हाँ जी हाँ जी। आइए। बताइए सर, बछेरिया है दोनों? बछेरिया है जो। दोनों बछेरिया? हाँ जी। क्या उम्र की है? जो 14 महीने की है, वो 8 महीने की है। 14 महीने और 8 महीने। हाँ जी। और कोई लाइन की है कि अननोन है? नहीं, लाइन की है, वो तो चेत की है। तो ये 14 महीने की? हाँ जी। और ये 8 महीने की? हाँ जी। ओके। कितना मांग रहे हो इसका? इसका 3.5 लाख, इसका 3 लाख। 3.5 लाख फॉर दिस वन, और उसका 3 लाख। क्यों? वो कितनी उम्र की है? 8 महीने की। तो क्यों इतना प्राइस में? ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्राइस है? सेम ही है ऑलमोस्ट प्राइस? सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ी बड़ी है बस इसका थोड़ा। क्या हाइट पकड़ेगी? हाइट ये तो कम से कम जाएगी 63 से 64 तक के। हाँ, 64 आराम से जाएगी। ओके ओके। तो ठंड में क्या जानवर थोड़ा नरम पड़े के? हाँ जी, फर्क तो पड़ती है। तो आप क्या करते हो जानवरों के लिए? ऊपर कुछ उड़ाया नहीं आपने? नहीं, ऊपर अंदर से अभी निकाले हैं। ओके ओके। और पंजाब के बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है? हाँ जी हाँ जी। तो महाराष्ट्र वगैरह? हाँ जी हाँ जी, महाराष्ट्र। अभी हमारे यहाँ से घोड़े गए महाराष्ट्र। कितना खर्चा आता है? खर्चा वो गाड़ी यहाँ से गई थी मेरे ख्याल से 70,000 में। 70,000 में? हाँ जी। बॉम्बे से एक घोड़ा? एक घोड़ा। कितने दिन में पहुँचता है? मेरे ख्याल 4 दिन लगे। रुक रुक के जाता है? अच्छा। ये मारवाड़ी? हाँ जी हाँ जी। बछेरा है? बछेरी नहीं, घोड़ी है। घोड़ी है ये? क्या उम्र की है? ये है 6 साल की। थोड़ी लेकिन कमजोर लग रही है। कमजोर तो बच्ची थी इसकी, बेची है। हाँ हाँ। 6 साल की है? हाँ जी। कोई लाइन की नहीं है ये? नहीं, अननोन है। कितना मांग रहे हो इसका? इसका 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। और वो उसको क्या कहेंगे? और रंग को? वो नीली चंबी है। नीली चंबी? हाँ जी। वो क्या उम्र की है? वो है 4.5 साल। 4.5 साल की? हाँ जी। और इसका कितना मांग रहे हो? उसका भी 1.5 लाख। 1.5 लाख। और वो लाल चंबी उसका? उसका 2 लाख। 2 लाख रुपए। और कितने उम्र की है? वो है, वो भी 5 साल के। 5 साल की है? ओके। और वो जो नीचे बैठी है वो? उसका 1,30,000। उसकी बच्ची बेची है उसकी भी अभी। ओके ओके। वन सेकेंड, आपका नंबर दीजिए। 9855358226। पंजाबी में बोल, हिंदी में बोल दो नंबर पंजाबी में। 98553-58226। हेलो सर, कहाँ ले चले? कहाँ ले चले? मॉर्निंग वॉक? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है घोड़े का? उधर करो ही गल। क्या नाम है घोड़े का? अकबर। अकबर। हाँ जी। कहाँ ले चले मॉर्निंग वॉक के लिए? हाँ जी, बस घर लेके जा रहे थे आज। आज खत्म? हाँ जी हाँ जी। तो लोग आएंगे नहीं अभी? नहीं, बस अभी तो मतलब सेल परचेज का ज्यादा होगा काम। तो ये सिर्फ नुमाइश के लिए था? हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा रिस्पांस? बहुत अच्छा जी। क्या पब्लिक ने बोला इसके बारे में? बहुत अच्छा जी। क्योंकि नुकरे घोड़े तो इतने सारे हैं। हाँ, अब लोगों के पास एज ए ब्रीडर ऑप्शन बहुत है। हाँ जी। तो इसके पास क्यों आएंगे लोग? इसके पास इसलिए आएंगे क्योंकि हर घोड़े में, वैसे आपको पता होगा, हर क्वालिटी नहीं होती। हम मतलब हम खुद के मुँह से नहीं बोलते, लोग हमें आके बताते हैं कि इसकी नेक की प्रोफाइल देखो आप, साइड से नीचे से मोटी है, ऊपर से ऐसे जा रही है। हूफ देखो इसके कितने मजबूत है, ठीक है। लेंथ देखो, किसी घोड़े की नहीं है इतनी। हाइट क्या है इसकी? हाइट 67 है। 67 वाटर स्केल वाली। ओके। पब्लिक जो है वो हाइट की दीवानी है, 70-70 इंच की दीवानी है सर। कान भी इसके देखो कितने पतले हैं, जैसे नुकरे के ज्यादा मोटे होते हैं। ये उम्र कितनी है इसकी? उम्र 3.5 साल का है। आपके पास? 3.5 साल। हमें 1.5 साल हो गया हमारे पास। ओके हाँ जी। तो इसका क्या है क्रॉसिंग फी? इसकी 21,000 रुपीज़। और नंबर दोगे आपका? 9877276568। कहाँ के रहने वाले हो? गोविंदगढ़ अबोहर। अबोहर के? हाँ जी। एंड यू हैव फार्म? के एक ही घोड़ा है बस? नहीं है, फार्म है। क्या नाम है फार्म? सेको स्टड फार्म। ये है सेको स्टड फार्म का अकबर।
और सेखो वाले टी शर्ट वी शर्ट पहन के हेलो सर। हेलो सर, आप मिले थे मुझे रिंग में बाहर, हाँ जी, है ना, गोल्डन गोल्डन क्वीन को लेके आए थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हॉर्स। हाँ जी, वो कौन सी पोजीशन पे आई? वो टू टीथ में सेकंड पोजीशन पे आई थी, मारवाड़ी फिल्ली में। हाँ जी, सेकंड पोजीशन। हाँ जी, अच्छा अच्छा है, आई थिंक टॉप 3 इज एनीवे इट्स लाइक अ विनर ओनली। हाँ जी, अब क्या प्लान है गोल्डन क्वीन के साथ? अभी देखेंगे और शो में भी लगाएंगे गोल्डन क्वीन को। नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है अर्पित सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं खुन्नन कलां का रहने वाला हूँ। खुन्नन कलां, हाँ, हाँ। याद है मैं बहुत बार पूछा था आपसे कहाँ के कहाँ के मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो आई थिंक मेले में किसी ने नहीं या किया भी होगा मुझे पता नहीं, इतना आपने प्रोटेक्शन दिया है घोड़ी को, ठंड जानवरों को भी लगती है। हाँ जी, और बहुत से लोग सिर्फ ऊपर पीठ पर डाल देते हैं। हाँ जी, आपने ये प्रॉपर इसको कान पे ठंड ना लगे, चेहरे पे ना लगे, पूरा पहना के रखा है। हाँ, ये ना कई गुड़ियों तो पहना लेती है कान पे, कई नहीं पहनाती, ये ठंडी है, बिल्कुल सील है, तो इसलिए इसको सारा कवर कर दिया। कपड़ा जाड़ा है? कैसे, कपड़ा मोटा है? हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा ठंडी वाला कपड़ा है, नीचे भी पूरा अच्छा कपड़ा है। ओके ओके, हाँ जी, जरूरी होता है घोड़ों को भी, क्या सर्दी लगती है? हाँ जरूरी है, पहली बात तो स्टोरी में बहुत मतलब की निक गया गर्म है तो, लेकिन फिर भी अपना भी बीमार ना हो जाए। लेकिन ये बार कुछ ज्यादा हद से ज्यादा ठंड है। हाँ नहीं, इस बार तो बहुत ज्यादा ठंडी है। था पंजाब में कोई जगह पे -0.2 डिग्री चला गया। हाँ, इस बार कश्मीर बहुत ज्यादा ठंड है, पंजाब में हो रहा है। नहीं नहीं, इसका नाम क्या है? ये रोशनी। और बना दिया आपने बैटमैन? नहीं नहीं, ये दिखाऊं रोशनी भी तो आई थिंक पोजीशन पे आई है ये, तो ठंड लगी। क्यों हम और आपका दूसरा हाथ ठाकुर, ठंडी बहुत है। आपका नाम क्या है? उल्ला सिंह। ये रेडीमेड मिलता है कि बनाया गया है? नहीं, नहीं, ये मिल जाता है, अपने ना मुक्सर में बहुत लेके आते हैं। ओके, तो ये आम ही मिल जाता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, एक तो घोड़ी की चमक बहुत रहेगी। ठंडी में इनको क्या गरम खाना आप देते हो? अभी तो जैसे मेन तो शोलों की चूरी डालते हैं, तो मोठ आते हैं, मोठ उसको दाने में बाल के ना। मोठ? हाँ, मोठ। मोठ क्या होता है ये मैं दिखाता हूँ आपको। इतना ख्याल रखते हैं लोग घोड़ियों के, इससे गाले तो चमक भी रहती है। बहुत टॉप क्लास घोड़ी है ये। हाँ जी, इसकी शाइन, इसकी फिटिंग, इसकी बॉडी, इसका नेक, द फेस, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सीधी है, मारती नहीं है। सुना मैंने घोड़ियों के पीछे नहीं जाना है। नहीं नहीं, हाँ लात मारेगी अपनी तो कोई मारवाड़ी घोड़ी नहीं मारेगी। क्यों ऐसे? मारवाड़ी घोड़ी जो सही ब्लड लाइन वाली घोड़ी है वो नहीं मारेगी। ओनर को पहचानती है? ओनर को पहचान। क्या बात कर रहे हो, सही सही में। हाँ जी, अनजान जाएगा तो देख। नहीं, आपको भी नहीं कुछ। ना ना, मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। नहीं नहीं, हाँ बहुत जोर की पड़ती है इनकी। नहीं, आपने कभी खाया घोड़ी का मार? नहीं, अभी तक तो भगवान की कृपा है। वैसे करते क्या फुल टाइम आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हूँ मैं, लास्ट ईयर में हूँ। टाइम मिल जाता है घोड़ों में? हाँ हाँ, घोड़ों में। अभी तो फुल मेलों का सीजन होगा ना? हाँ जी, अभी पेपर खत्म हो गए आर्ट्स जैन के, अभी एक मंथ घोड़ों की सेवा में ही है और घोड़ों के प्रदर्शन में। हाँ जी, अब मैंने बाहर देखा हूँ वो फरीदकोट का लगा है 5/1-3। हाँ, या 3/2। अभी जोधपुर शो में मिलेगा एक नई बच्ची और लेके जोधपुर जाने वाले हो? हाँ, रानी सुंदरा बच्ची है, तैयार कर रहे हैं। कौन सी तारीख को है जोधपुर का शो? वो 3-4 फेब को है या 4-5 फेब को है। ओके, हाँ जी, आई थिंक आई ट्राई टू कम। हाँ जी, बहुत घोड़े आ गए पंजाब से वहाँ पर। हाँ, वो मेरे हिसाब से सारे शो ही बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन वो भी शो बहुत मतलब कि उसमें सारा राजस्थान और पंजाब के घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इसमें एक रिंग में तकरीबन मेरे ख्याल से 17-20 घोड़े आते हैं। हाँ, उसमें एक रिंग में कितने होते हैं? मेरे हिसाब से जो मिल्क टीथ लास्ट ईयर कैटेगरी हुई थी उसमें उन्होंने ना 2 रिंग कराई थी, एक तो डीएनए वाले घोड़ों की, एक जिन घोड़ों का भी डीएनए नहीं हुआ। इस बार वहां पर जिस घोड़े का डीएनए हुआ है मेरे हिसाब से उसी घोड़े की रिंग ही होगी।
आपका हुआ है घोड़े? हाँ हाँ, अपनी सभी घोड़ियों का डीएनए लाइन की है, ये राजंश घोड़े की है, बादल स्टड बार बादल स्टड बार में। कौन सी सोसाइटी से? क्योंकि दो सोसाइटी हैं ना बीच में, अपा मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, हॉर्स सोसाइटी जोधपुर से। ओके हाँ, मेरे दोस्त हैं मनराज गिल, उन्होंने करवा के दिया है सारा घोड़े। क्या फायदा होता है रजिस्ट्रेशन? उससे एक तो पता लग जाता है भी कौन से घोड़े की है, जिस आदमी ने, नए आदमी ने लेना है उसको 100% मान लो यकीन हो जाता है भी मैंने कौन से भी घोड़े की घोड़ी लेनी है, अभी ये है क्योंकि मार्केट तो है नहीं ना। नहीं, अपन नहीं बेचना। हाँ जी, तो फिर घोड़े का समझ में आता है रजिस्ट्रेशन, जब बच्चा देगी तब पता चलेगा भी उस घोड़ी का, क्योंकि मार्केट में जो बहुत है ना, बहुत है वो। जितना खिलाते हो यानी कम से कम मेरे ख्याल से 10-20 हजार का तो खाती होगी, 15-20 हजार का महीने का एक घोड़ा। नहीं, अगर घोड़ों को अपन पैसे गिन के खिलाएंगे तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 11-12 महीने अगर खाली है ना प्रेगनेंसी पीरियड में, तकरीबन आई थिंक 1.5 लाख रुपए इसके खर्चे पे चले जाएंगे। हाँ, आ जाते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो उतना कमा के दे देता है। हाँ, दे देता है। अच्छी लाइन खाएगा तो बच्चा बढ़िया दे देता है कमा। कितने में बिकता है? अच्छी बच्चा बढ़िया बिक जाता है। कितना है क्या रफली अंदाज बताओ? जैसे ये कौन सी लाइन की है? ये राजंश की प्रिंस लाइन की है, बाप की तरफ से प्रिंस लाइन। हाँ, तो माँ इसकी अलीशान की है, तो नानी इसकी सुल्तान की है। तो ये लाइन के बच्चे कितने के बिक जाते हैं? अड्डो अड है, डिफरेंट है। फिर अभी एक फिगर बताओ रफली। नहीं, फिगर में है नहीं, एक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बिक जाते हैं ऐसे, अभी 5 लाख से 20 लाख तक बिक जाते हैं बच्चे। मेल ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि फीमेल? नहीं, ये तो क्वालिटी पे है, मेल हो या फीमेल। हाँ, बच्चा मेल हो फीमेल हो तो डिपेंडिंग क्वालिटी पे है। हाँ जी, ये तो अभी बच्ची है, इसने तो नहीं, नहीं ये घोड़ी है 7 साल की, घोड़ी बच्चे इसने दे दी है इससे पहले। अच्छा, ये घोड़ी है प्रॉपर। अच्छा, वो दूसरी थी जो टूटी, वो फिली थी, वो फिली। हाँ, वो भी रुक के मेट कराएंगे। ये क्या नाम है इसका? रोशनी। रोशनी। और वो थी गोल्डन, गोल्डन क्वीन। क्वीन, हाँ, वो गोल्डन रॉक घोड़ा है ना जो 17 बार शो विन किया, उसकी सिस्टर है वो। अच्छा, डैम साइड से। और अंकल जी है गैरी गिल, उनके पास पंजाब घोड़ा है, उसकी रियल सिस्टर है वो। गोल्डन रॉक तो बहुत शानदार। हाँ जी, बहुत शानदार। वो घोड़ी के बारे में बताएंगे? वो बच्चा है, उसको बाहर ही निकाल के दिखाता हूं। इतना ऊंचा है वो तो? हाँ, वो भी टूटी थी है वो भी। अच्छा, हाँ, उसको भी निकालते हैं बाहर, पापा करते हैं फिर बात। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है अभी? नो सेलिंग का कोई इरादा नहीं, नहीं, कोई इरादा नहीं। आपका नंबर दोगे लोग? हाँ जी, 7009270340। अच्छा, ये जो नंबर आप लोग पब्लिक में देते हो सारे घोड़े वाले, हाँ जी, ज्यादातर लोग तो परेशानी करते हो क्या? नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन मोस्टली नॉनसेंस क्वेश्चंस आते होंगे ना। हाँ, कभी आते भी है, घोड़ा जो लाभ कर रहा है क्या दू, वो दू, ये दू, डॉक्टरी के बहुत आते होंगे। हाँ, खरीदार कम वो। हाँ, नहीं कोई बात। क्या जला रहे हो आप इतना धुआं धुआं है? ये अभी खाना बन रहा है। अच्छा, जो मेरे दोस्त आए हुए हैं ना, तो उनके लिए खाना बन रहा है सभी। ओके, के लिए। ओके, ओके। हाँ। और चाय पी लिए, दो मिनट फिर निकालते हैं। थैंक यू। कौन ये? हाँ, ये रोल कर रही है। हाँ, स्टैंड में तो क्या वजह होता है ये लोग रोल इससे कर रहे? भी घोड़ी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा, हाँ। ये बहुत सुंदर घोड़ी है, क्या नाम है इसका? इसका रोशनी। अच्छा, उसको अंदर वो ही वही है क्या? निकाल दिया, अंदर समझ में नहीं आ रही थी, बाहर तो बहुत जबरदस्त लग रही है। तो अब ठंड नहीं लग रही इसको? नहीं, अभी फुल मजा करेगी। एक मिनट मैं वो उठा दूं। तुम कितने साल से पाल रहे हो रोशनी को? रोशनी मैंने तो अभी ली है, अभी 2 मंथ ही हुए। ऑस्ट्रेलिया में लाली नट। अच्छा, उन्होंने गिफ्ट की है मेरे को। ऐसे गिफ्ट सभी को मिले। अच्छा, ठीक ठीक है, अभी निकलेगा। पापा तैयार कर रहे हैं आपको बच्चे की, माँ की हाइट दिखाता हूँ मैं। बताइए,
दिखाता हूँ जो सच वाली विद वाटर स्केल 67 है। तो वाटर स्केल और रेगुलर इंस्टेप में क्या फर्क होता है? भी लोग जैसे भी सच मानते हैं उस चीज़। तुम्हारे पास है वाटर स्केल? हाँ, अभी मेले में नहीं है, घर पे मेरे पास। तो अगर 67 इंच नॉर्मल इंस्टेप पे हो तो वाटर स्केल में कम होता है कि ज़्यादा होता है? नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता वाटर स्केल। ये है स्कीम अपने बच्चे की जो भी निकालूंगा मैं। ये कौन सी लाइन की है? ये राज की है, शेकरे वाले की। तो इसका हाइट मेजर किया आपने? हाँ, दो साल पहले यहाँ मेले पे मेजर की थी मेरे दोस्त ने। क्या हाइट है इसकी? ये 67 इंच मेयर है। 67 आ गया, मैं अभी लिख आइए। खाली खाली हो गया है मेला पूरा। बहुत जबरदस्त घोड़ी है रोशन। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पुनिया है। गौरव? गौरव पुनिया। पुनिया कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं राजनगर का रहने वाला हूँ, राजस्थान। राजस्थान से आए हो? घोड़े लेके आए हो? नहीं, घोड़े लेके नहीं आया, घूमने। घूमने के लिए। कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा लगा। आपकी वीडियो वगैरह काफ़ी देखते हैं। अच्छा, अभी आप सामने तो नहीं आते जी, तो ये आपका देखा हुआ देखा अभी तो मैंने कहा भैया तो ये आज काम करना बंद कर दिया, रिक्शा में गिर गया था। अच्छा, तो ऊँचा बोलिए थोड़ा। आप कितने घोड़े लाए हो वैसे? वैसे घोड़े नहीं, मैं तो वैसे घूमने के लिए आया हूँ। खरीदने लाए? जानकार हैं वो लिखे थे घोड़ा नुगड़ा। तो क्या फ़र्क लगा आपको यहाँ के मेले और राजस्थान के मेले में? मेले तो वैसे तो बिल्कुल बढ़िया अच्छे हैं, सेम ही हैं, पर यहाँ के जो है बिक्री वगैरह जो है ना वो अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। हाँ, क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, बट पुष्कर में भी तो एक से क्वालिटी आती है। हाँ, क्वालिटी तो आती है पुष्कर में भी आती है, पर मैं पुष्कर कभी गया नहीं। पुष्कर नहीं गए हो, हॉर्स लवर हो के? और यहाँ पे मुख्य तो आते जाते रहते हैं, और आपको देखा है, नोटिस किया है कि आप यहीं आते और कहीं नहीं जाते। मुझे यहाँ पे मज़ा आती है एक्चुअली। क्या ये वेदर अच्छा होता है? वो पुष्कर भी जाता हूँ मैं, इस साल नहीं गया था, दो साल से तो लग नहीं रहा था। वो सारंगखेड़ा भी एक दिन के लिए जाके आया। बॉम्बे में रहते हैं तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नॉर्थ इंडिया काम हमारा वहीं पर है, लेकिन जगराव जाता हूँ। दो साल से क्या हो रहा है, क्या हमेशा फरवरी का मेला कैंसिल हो जा रहा है, टिकट बुक करो कैंसिल हो जाती है। ये इस बार इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही। क्या कॉन्फर्मेशन नहीं होती और कोई एक सोर्स नहीं है हमारे को पता करने का कि मेला वाकई में लगेगा क्या नहीं लगेगा? क्योंकि हमें बुकिंग जो है वो बॉम्बे से आने के लिए एडवांस में 2 महीना पहले करनी पड़ती है, है ना, लास्ट मोमेंट पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टिकट्स मिलना। तो वैसे घर पे तो घोड़े रखे हुए हैं, 2 घोड़ियाँ, एक ऊँची है, और दोनों घोड़ियाँ अभी महीने बाद में काम करने वाली है। ओके राम भाई, ये मेरे भाई है। आप कहाँ से आए हो सर? मैं जयपुर से हैं। अच्छा, ये जो थान वर्ड है उसका बताओगे क्या मतलब? उसका थान करने वाली है, थान करने वाली का मतलब ऐसे तो घोड़ी प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी करने वाली है, करती है, उसको बोलते हैं थान करना। ओके ओके, राजस्थानी लैंग्वेज। हाँ, राजस्थानी लैंग्वेज है। ओके ओके ठीक है। पंजाबी बोल देते हैं घोड़ी सुना, घोड़ी सुना, सुना ठीक, डिलीवरी करती है उसको। क्या नाम है इसका? दिलरूप। दिलरूप, हाँ जी। चुन चुन के क्वालिटी रखे हुआ, लेकिन हाँ अच्छे हैं सारे के सारे। क्या उम्र है दिलरूप की? ये 3.5 साल का हो गया। तुम राइड करते हो इसको? नहीं, अभी इस पे राइड नहीं किया, लेकिन अभी मेले के बाद स्टार्ट करेंगे। क्या उम्र में हॉर्स को राइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से कम जब तक का 2 दांत नहीं ना लग जाता प्रॉपर, तो तब उसके 2 दांत के बाद ही राइड करना चाहिए। बताओ कि घोड़ों में 2 दांत लगते हैं? 2 दांत 28 मंथ से लेके 32 मंथ के बीच लगता है। अच्छा, ऐसा डिफरेंस होता है। हाँ जी। ओके, और फिर उसके बाद 2 दांत के बाद
दो दांत के बाद चार दांत लगता है फिर। चार बड़े और सामने जो दांत आते हैं वो 48 मंथ से 54 मंथ के बीच लगता है। चार साल, चार दांत यानी प्रॉपर स्टैलियन हो गया। प्रॉपर स्टैलियन हो गया 48 मंथ यानी चार साल का स्टैलियन होता है। हाँ जी। ओके, और फिर उसके बाद क्या वही चार दांत पे रुक जाते हैं? हाँ, फिर वही हो जाते हैं, तो फिर तो सेम कैटेगरी में डालता है स्टैलियन। अभी जैसे एक बार आपकी बछेरी जीत गई या बच्चा जीत गया, हाँ जी, तो फर्स्ट आया तो आप नहीं वापस से डाल सकते हो वो शो में, राइट? मिल्क टीथ और टू टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मुझे तो बोला था मनु शर्मा जी ने, नहीं नहीं फर्स्ट आएगा तो आप नहीं डाल। फर्स्ट आएगा मेयर कैटेगरी और स्टालियन कैटेगरी में फिर नहीं अपा डाल सकते, क्योंकि जो मिल्क टीथ है साल बाद वो सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अकेली मतलब की बड़ी गोड़ियों और बड़े घोड़ों में नहीं डाल सकते। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी मान लो मिल्क टीथ में जो बच्ची आज विन की है, एक साल बाद शो होगा तो टू टीथ, तो तब तक वो टू टीथ में हो जाएगी, तो अलग कैटेगरी की, अलग कैटेगरी हो जाएगी। मेयर और स्टैलियन जो है वो बेसिकली यू कैन नॉट रिपीट। हाँ जी, एक बार जीत गए तो जीत गए। हाँ जी। जैसे एक मैं लास्ट ईयर देखा था, एक आई थी घोड़ी, उसका नाम था सेज। हाँ जी। और ग्रे ग्रेश कलर की थी वो। हाँ जी। और बहुत खूबसूरत घोड़ी, उसे 14 शो जीते थे। हाँ, वो तो मुझे लगा था एक ही बार बार जीती, लेकिन ऐसा नहीं होता, 14 अलग अलग शो जीती है। अलग अलग शो जीती है। हमारे पास भी थी एक रजिया घोड़ी, वो भी काफी शो विन की थी। रजिया? हाँ, रजिया है। रजिया का फोटो, फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। 2009-10-11 मुक्सर सरकारी शो हुआ था, तब उसने वो नेशनल चैंपियन बनी थी। उसके ऊपर बैन लग गया था फिर, भी 3 साल आप किसी शो पे 2011 में डाल नहीं सकते। क्यों? किसी शो में? मुक्सर में जो सरकारी शो होने थे पहले, मुक्सर में गवर्नमेंट का शो होता था। हाँ, गवर्नमेंट शो होता था पहले, ये बादल साहब के। हाँ, बादल साहब कराते थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो क्यों बंद हो गया वो? सरकार चली गई। सरकार चली गई, इसी कारण वो बंद हो गया। आई थिंक वो एनिमल लवर सरकार थी। हाँ हाँ। आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक स्टेप, क्योंकि बहुत शौक बहुत बड़ा है ये। हाँ जी। और कारोबार बहुत लोगों को मिलता है इससे। हाँ जी। है ना, ये ऑन एन एवरेज जो हैंडलर्स होते हैं, जिस वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन, इनकी सैलरी जनरली कितनी होती है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपा तो आप ही हैंडल करते हैं, जो मेरा भी दोस्त आया था रवि राठौड़, वो मेरा फेरियर है। मतलब की फेरियर का मतलब क्या होता है? फेरियर जो घोड़ों के सुंब बनाता है। Okay. अगर मेरे मेन मान लो किसी आदमी के कारण घोड़े प्रॉपर विन कर रहे हैं, वो या तो डॉक्टर साहब है जो मेरे पास आते हैं, ठीक है, तो जहाँ मेरा फेरियर है जो मतलब कि फुट को ही इतना बढ़िया बना के रखता है। अगर आप इनको ही मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम पे, तो ट्रिमिंग की बात कर रहे हो? हाँ। ओके। हाँ जी। तो वो तो अलग एक सर्टन लोग आते हैं ना, हर फार्म पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। मेरे पास तो हो गए 4-5 साल एक सेम ही फेरियर आ रहा है रवि, बहुत जरूरी है। हाँ। तो अभी जैसे शो होने वाला है। हाँ जी। तो कितने दिन पहले जैसे इमीडिएटली जब हूफ को ट्रिम करेंगे? हाँ। तो घोड़ा की चाल में थोड़ी फर्क आती है ना। हाँ। वो थोड़ा लड़खड़ाता होगा यानी उसको दुखता होगा। हाँ जी। तो वो कितने दिन पहले आप ट्रिम करते हो मेले शो? डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अपने आपा सभी घोड़ियों के 40 दिन बाद फोटो बनाते हैं। ओके। सेम डेट पे फेरियर ने उसी डेट पे जब 40 दिन कल शो होने वाला है। हाँ जी। कितने दिन पहले आप उसकी फुट बनाओगे? नहीं, फुट तो कम से कम 10 दिन पहले बनने चाहिए, फिर ही वो जो ट्रॉट आपा कराना चाहेंगे फिर ही बढ़िया ट्रॉट करेगा, फिर अपने को नाले पता चल जाएगा कोई फुट में प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलते हैं एक्चुअली बनाना तब पड़ता है जब घोड़ा मोस्टली खड़ा रहता है। अगर आप घोड़े को ज्यादा दौड़ाओगे तो वो नेचुरली घसते जाते हैं ना। हाँ, ये भी बात है। तो आप दौड़ाते नहीं है? नहीं, दौड़ाते हैं, डेली रनिंग देते हैं प्रॉपर। नहीं, फिर भी आप मतलब की 40-45 दिन बाद भी बनवा ही देते हैं, क्योंकि जैसे वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं उनको थोड़ी बनाना पड़ता है। हाँ जी। वो तो नेचुरली घसते जाते हैं बिकॉज़ दे रन सो मच। हाँ जी। हमारे स्टेबल रहते हैं इसीलिए। हाँ जी। ओके। क्या नाम बताया आपने इसका? इसका नाम है दिलरूप। दिलरूप। हाँ, ये तलबाग रनिया का बच्चा है, तो अभी 3.5 साल का हो गया, अभी 2 टीथ है। और आपने कब खरीदा ये? ये मेरे दोस्त अंकल जी हुशियारपुर से, तो इनका बच्चा इनका ही है, लेकिन मेरे पास ये कवरिंग के लिए आया है। अच्छा। हाँ। कौन सी गुड़ी? नहीं, सभी गुड़ियों के लिए कवरिंग के लिए आया मेरे गांव। हाँ, मेरे नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, मेरी गुड़ियों। अच्छा, के लिए गांव में? गांव में। Okay. जैसे और गुड़ियों ने कवरिंग करानी है, मेरी गुड़ी अभी रोशनी तो, इससे मेट कराएंगे। चलिए, तो गुड़ी लेके आते हैं ना तो। हाँ, तो ये घोड़ा ही आ गया पूरे गांव। थोड़ा हुशियारपुर इलाके में ऐसा था, वहाँ एक तो वाट बहुत पड़ जाती थी पंजाब से, जिसने मेट करानी थी घोड़ी उसको मुश्किल आती थी। Okay. अभी जैसे अभी पंजाब में आ गया तो अभी सभी को मतलब कि इजी हो जाएगा। Okay. हाँ। इसका कितना है क्रॉसिंग फी? इसकी 51,000 क्रॉसिंग फी है। Okay. तो गारंटी अपनी इतनी है, जब तक आपकी घोड़ी गब्बर नहीं होगी। Okay. हाँ, पहली बात तो आप कोशिश करेंगे भी पहले जंप में ही रहे, तो फिर भी अपने को कोई बात नहीं।
तो टेस्ट करके देते हो मेडिकल टेस्ट, कितने दिन के बाद होता है वो? वो 21 डे के बाद होता है, लेकिन मेन घोड़ी तो 35 डे के बाद क्लियर हो जाती है। तो अगर घोड़ी आपके पास आई हाँ जी, तो उसका खाने पीने का वो सब इंक्लूडेड रहता है ना उतने दिन? हाँ हाँ हाँ। कितने दिन रखना पड़ता है घोड़ियों को? वो ऐसे है कि अगर तो कोई आउट स्टेट से आनी है फिर तो चलो भी पहले भी आप मंगा लेंगे, तो अगर कोई जैसे पंजाब से आनी है वो तो उस दिन ही मेट होने आती है जब डॉक्टर साहब भेजते, क्योंकि पंजाब में तो डॉक्टर की फैसिलिटी बहुत है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी घोड़े का मूड नहीं है, हमेशा मूड नहीं रहता है? कैसे ऐसा होता है कि घोड़े का मूड नहीं है, इतनी मेटिंग कर डाला हाँ जी दिन में कि भाई मूड नहीं है अभी? नहीं अभी तो, ये तो बच्चा ऐसा मैंने सुना हो कुछ स्टोरी। अच्छा, नहीं नहीं ये तो अभी बच्चे है, अभी आपस 6 घोड़ियों पे ही छोड़ा है। ओके। हाँ, अभी तो उसका स्टार्टिंग टाइम है। दिन में यानी कुछ ज्यादा हो जाता होगा तो कभी कभी घोड़े भी बेचार जाते होंगे ना? हो सकता है हो जाते हो। हाँ जी। क्या हाइट है इसकी वैसे? ये 64 इंच हो गया और जाने वाला है। हाँ, तो इसकी माँ का नाम नागन है, तो वो राज शेखरे वाले घोड़े की बच्ची है, वो सतपाल अंकल है जोड़, उनके घर ब्रीड हुई है। आपका फेवरेट, आपके 3 टॉप फेवरेट घोड़े कौन से हैं? घोड़े सारे ही अच्छे हैं जी। बताओ, नाम बताओ। नहीं, सबसे मेरे का जो पर्सनली सबसे अच्छा लगता है वो मेरे को दलबाग रनिया, तो देवराज और कालाकंठा। वो कहाँ पे है? वो रनिया गांव में है दलबाग। तो दूसरा है देवराज। देवराज और कालाकंठा तो नहीं रहा ना? नहीं है, अभी है, वो बैबल गाँव में। उसकी उम्र क्या होगी? वो मेरे हिसाब से तकरीबन 17 से 18 साल के हो गए होंगे। मैं लास्ट ईयर जब आया था बहुत से लोगों को सुनता था काला काटा ब्लड लाइन। हाँ जी। अभी सब लोग दिलबाग रणिया। हाँ जी, दोनों घोड़े क्रीम है ना जी, है ना? हाँ जी, अलग अलग। अभी आप शो में देखो दोनों अलग अलग लाइन के। हाँ जी। कोई किताब है ऐसी जिसमें हम लोगों को पता चले कि भाई ब्लड लाइन के कौन कौन से हॉर्सेस है, कहाँ पे कोई किताब मिलती है? हाँ, किताब होगी कोई, मैं आपको चेक करके पता करके बता दूंगा। बताना जरूर। वैसे क्या नंबर है आपका अंग्रेजी में दोगे आप? हाँ, 7009270340। एंड आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम अर्पित सिंह। अर्पित सिंह। अर्पित, व्हाट इज योर फार्म नेम? माय फार्म नेम इज NS स्टड फार्म। मेरे एस नाम क्या? दादाजी का नाम है मेरे, सरदार नार सिंह। ओके। हाँ जी। और कहाँ पे है आपका? यहाँ मुक्सर लोकली है, यहाँ से कुंडन कला। कुंडन, स्पेलिंग क्या है? KHUNANKALAN कुंडन कला। हाँ। ओके ओके। तो बाकी ये बच्चे की, ये मान लो एक इन ब्रीड होती है, एक लाइन ब्रीड होती हाँ, है। वो आप बता रहे थे इन ब्रीड और लाइन ब्रीड, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आप अभी क्या होता है ना, अभी घोड़ी मान लो अभी अलीशान का ही घोड़ा है और अलीशान ब्लड लाइन की घोड़ी है। आपा सेम मान लो भी घोड़े से मेट करा ले तो वो इन ब्रीड में आ जाती है। Okay. अगर आपा थोड़ा दूर चला जाए भी, जैसे उसके भी पोते से मिला लें जैसे, वो लाइन ब्रीड में आ जाती Okay. है। तो जो अपना ये बच्चा है, ये मान लो ना तो इन ब्रीड है और ना लाइन ब्रीड है, मतलब की बाप तो इसका आ गया दलबाग रनिया, तो दादा आ गया अलीशान, जो इसकी माँ है वो बिल्कुल डिफरेंट ब्लड लाइन से है, वो राज की है सेकरे वाले Okay, की Okay. जो इसकी नानी है वो बहुत फेमस घोड़ी है मलिका, तो वो भी डिफरेंट ब्लड लाइन से आ गई। Okay, हाँ Okay. तो जनरली इनब्रीड नहीं कराना चाहिए? नहीं, मेरे नहीं कराना चाहिए। क्या दिक्कत आती है उससे? उससे जैसे आप देख लो भी बाइट आउट आ जाती है। व्हाट इज रोडी मीन बाय बाइट? बाइट घोड़े के जो दांत होते हैं शो के लिए, अपन जो बच्चा शो में डालना है तो उसकी बाइट प्रॉपर होनी चाहिए, अगर वो आगे पीछे वो रिंग में नहीं डलेगा। अच्छा, यानी ऐसे फावड़ा, जैसे इंसान में फावड़े दांत आगे होते हैं, जैसे कोई फुट में प्रॉब्लम आ गई ठीक है, तो उस पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी एज पे भी पूरा इफेक्ट पड़ता है। ओके। हां जी, बहुत नॉलेजेबल हो आप, आई लव स्पीकिंग विद यू। हाँ, उस टाइम पे टाइम नहीं था। हाँ, तो फिर रिंग में थोड़ा कुड नॉट स्पीक विद यू, आई विल स्टे इन टच विद यू। हाँ जी, मुझे बताना जो जो फेयर्स होने वाला है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सो अर्पित ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आई लव स्पीकिंग विद हिम। मुझे लगा था कुछ नहीं मिलेगा कॉन्टेंट, बट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट दैट इज गिवन मी, वेरी नॉलेजेबल। बेचने लाए हो आपने? बेच रहे? If anybody planning to come, this is not the right time, I think. 15 तारीख तक के ही mostly fair active होता है, फिर घोड़े जाने शुरू हो जाते हैं।
अरे विरक जी, विरक जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू? सो सो ग्लैड टू सी यू। बहुत दिनों के बाद आप। दो साल के बाद। कहाँ पे घोड़े वोड़े नहीं लाते हो आप, तो एकदम बॉयकॉट कर डाले अपने आपको। थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम आई थी तो घोड़ों का एक बार छोड़ दिया था। हाउ इज योर हेल्थ? ठीक है, गुड। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई मेट यू 2019 में आप अपनी बेटी के साथ आए थे पुष्कर घूमने। तो अभी कैसे आना हुआ सर? बस अभी परचेज करने के लिए आया हूँ। तो दोबारा कीड़ा काटा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप घोड़े परचेज करेंगे, रात ही आया हूँ वापस। जी जी जी। तो आज तो सब चले गए ना मोस्टली? नहीं, सब डील तो आज ही होगी, जो घोड़ों की डील होगी आज ही होगी। तो खरीदार आ जाएंगे? हाँ, जो नुमाइश वाले थे वो चले गए। ठीक है, तो आज डील होगी, आज देखते हैं कितने बाय कर पाते हैं। मैं लोगों को बता दूँ, पुरानी वीडियो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हुई है। इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था पुष्कर में, वेरी नॉलेजेबल। क्या नाम था, गामा था घोड़े का आपका? गामा। कहाँ है वो घोड़ा, है अलाइव अभी? सेल हो गया था। बट जिंदा है अभी घोड़ा वो? हाँ जिंदा है, लेकिन सेल हो गया था। तो मेरे को थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसकी वजह से एक बार सभी घोड़े मैंने सेल कर दिए। आप पंजाब में कहाँ पर रहते हो? मैं मलोट में रहता हूँ, विलेज मेरा गुसर जोधा है। तो अभी क्या लेना है, यानी ब्लड लाइन वाली लेनी है कि जो अच्छी दिसेगी? ब्लड लाइन का कोई मैटर नहीं है, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ब्लड लाइन घोड़े पैदा नहीं करते, घोड़े ब्लड लाइन पैदा करते हैं। अच्छा, तो अच्छा जो भी मिलेगा, अच्छी घोड़ी ले लो फिर अच्छे घोड़े से क्रॉस कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे? पहले स्टार्टिंग में इनके साथ ही था मेरा, उसके बाद फिर दूसरा किया था वापिस। रूप काटा का मैंने अभी कवर किया था। बहुत बहुत ब्यूटीफुल हॉर्स, ब्यूटीफुल हॉर्स सर। उम्मीद करते हैं आप आ रहे हो कोई और शो वगैरह में? हाँ अब आया करूँगा, दिल्ली जोधपुर या जगराओं में। हाँ सब सभी, बेटी दोनों बाहर चली गई, अब फ्री हूँ मैं बिल्कुल। बढ़िया सर, प्लीज स्टे इन टच। मेरे पास आपका नंबर भी है, पुराना नंबर ही चल रहा है? नहीं, नंबर प्लीज, नंबर भी बदल गया आपका? आई विल सेव योर नंबर। चलिए, हाँ मैं आ गया, दो मिनट जाके बस बूट पाया। अरे चलो चलो, अच्छे लग रहे हो। बहुत घर में तो अच्छा नहीं। शानदार घोड़ा है, क्या नाम है इसका? हैदर। हैदर शो में था ना ये? शो में था, शो काफी दिन में पुष्कर शो मुक्सर में था? मुक्सर में नहीं था। ओके, मुक्सर तो नहीं पाया वीर जी शो जो? नहीं कर पाया थी, डिस्प्ले बाहर था, मैंने इसकी वीडियो बनाया है। डिस्प्ले में था ना हैदर? आई नो आई नो। पुष्कर विनर है और सो पुष्कर विनर है हैदर, भिवानी विनर है, भवानी, फिर ये है मिल्क टीत दे विच भिवानी विनर है जी, ते फिर ये टू टीत दे विच ऑल इंडिया जेड़ा इंटरनेशनल डीएफए। पता नहीं ना जी, बलजीत जी के साथ है हम। बलजीत जी ने गामा घोड़े का बच्चा है,
वो कवर करने लेके आए हैं। आई रिमेंबर नवंबर 2018 में व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड शूटिंग हॉर्स वीडियोस शौक के लिए, गामा घोड़ा एक खड़ा था पुष्कर में, उस पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने बनाई थी, उसी का बच्चा इसकी मदर भी मैंने ही वीर जी को दी थी, सेल की है। इनका नाम क्या है? उदयवीर सिंह बिरका जी। आपका? आप भी बिरको? कहाँ के रहने वाले हो आप सर? मैं हरियाणा से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, गांव मंगौली बिरका। मैं आजकल बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि भाई कौन सा घोड़ा कहाँ पर जीता है, कुरुक्षेत्र के बहुत बड़ा शो हुआ था वहाँ पर जी, कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल डेयरी एक्सपो था जी, वहाँ पे ऑल इंडिया से घोड़े आए हुए थे। कौन सी डेट की बात है ये? 2022 में जी, 2 teeth। तो उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद भी हुआ, इस साल भी हुआ। इस साल हुआ था ना, जनवरी यानी मुक्सर शुरू होने से पहले, इससे पहले हुआ जी। तो रेगुलर होगा ये? ये रेगुलर होगा जी, एवरी ईयर। ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट के प्राइवेट? ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट बॉडी जी। प्राइवेट बॉडी। और ये पार्टिसिपेट किया था उसमें? ये पार्टिसिपेट किया था 2022 में, तो 2 teeth में ये उस टाइम पे फर्स्ट 2 teeth कोल्ड। अभी स्टैलियन है? अभी ये अभी इसने लास्ट मंथ ही चाल दांत किए तो स्टैलियन हो गया है जी, जी। अकबर क्या नाम है इसका? हैदर नाम है। और क्या हाइट का है ये? 63 प्लस है जी। अभी 3.5 साल की उम्र है। तो आपने कब लिया इसको? ये मेरे पास घर का बच्चा है जी, घर में पैदा हुआ था वो, इनके घोड़े से जी, 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 था। घोड़ी मैंने इनसे ली थी। अच्छा, तो घोड़ी लेके गए वीर जी, तो घोड़ी प्रेग्नेंट थी गामे से, तो इनके घर में भी डिलीवरी हुई। ओके ओके, आपके पास है गामे का फोटो अभी है? बताओगे लोगों को? डू यू हैव गामे का फोटो? मेरे पास है, मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इसका फादर जो है, यहाँ पे नेटवर्क का मसला है। अच्छा, गामा कौन सी लाइन का था? गामा जब तो हमने लिया था उस टाइम तो हमें बताया गया था कि सुल्तान का बच्चा। देखिए ये है गामा, ये विर्क जी के साथ है गामा, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक हिज फादर ओनली, है ना, वेरी वेरी सिमिलर टू हिज फादर। इसकी डैम भी ऐसी है, डैम जो है वो आलीशान की डायरेक्ट है। ओके, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। आई थिंक ये जब फोटो आपने खींची गामा अपने पूरे शबाब पे होगा। बिल्कुल, उसमें पुष्कर में ऐसा नहीं था गामा उस टाइम, तो हमने परचेज किए हुए थोड़ा टाइम ही हुआ था, कुछ मंथ ही हुए थे जब पुष्कर में लेके आए थे। तो अच्छा, तो अभी आपका क्या इरादा है इससे? ये सर आप क्या करने, बेचने के लिए निकाले उसको? नहीं जी नहीं, मैं इसको अब ब्रीडिंग में शुरू करेंगे जी। इससे अभी 2 रिजल्ट लिए थे हमने, बहुत अच्छी मार्किंग दी जी इसने, रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। जो दोनों के माथे पे ब्लेज था, प्रॉपर ब्लेज था, और एक बच्चे के 3 पैर सफेद थे और एक के 2 पैर सफेद थे। ओके, आप कितना क्रॉसिंग फी चार्ज करते हो? मैं फीस तो अभी 51 है जी, देख लेंगे अगर कोई अच्छी घोड़ी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास खुद के पास है घोड़ियाँ जो इसके साथ क्रॉस हुई है? हाँ जी हमारे पास है जी। ओके जी, और कोई लाइन में आपको इंटरेस्ट नहीं आया? नहीं, अभी ये हमने तैयार किया जी, मारवाड़ी करेक्टरिस्टिक्स इसमें पूरी हैं, ऑलरेडी शो विनर है, तो अभी इसके रिजल्ट्स देखते हैं जी। ओके, आपका नंबर देना चाहोगे? श्योर, 7444 5021 5021। यानी क्या होता है 5021? 000002 1। अच्छा, 5 times 0। दोबारा आप नंबर दोगे? 7444 5 times 0। ओके, 2 1। फैंटास्टिक, ठीक है। यू गॉट अ लवली मस्टैच हमारा। थैंक यू, ठीक है। क्या नाम बताया आपने आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, एंड यू फ्रॉम हरियाणा? आई एम फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विलेज मंगौली बिरका। ओके, हरियाणा में भी शौक बड़ा फैल रहा है पंजाब से जी। जी जी, है ना। और कोई मेला वगैरह होता है हरियाणा में? हरियाणा में होते हैं जी, ये पहले मिल्क टीथ में भिवानी चैंपियन बना था जी, हरियाणा चैंपियन। बट यू टॉकिंग अबाउट शोस, मेले की बात कर रहा हूं, जैसे पंजाब वाले कैसे मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मेले भी वहां पे होते हैं। अच्छा, कौन सा समय लगता है ये? मार्च में होता है जी। तो अभी आने वाले वो हरियाणा में जो है कभी डिफरेंट उसमें लगता है जी, प्रोविंस में। हाँ, कभी पहले भिवानी में लगा था, फिर चरखी दादरी में लगा था। इस साल कहाँ पर लग रहा है? इस साल पे अभी पता चलेगा जी, अभी पता डिसाइड नहीं हुआ जी। तो लोगों को कैसे पता चलता है? वो गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट जो है वो है। ओके ओके, आपसे पूछ लूंगा मैं कहाँ पर होने वाला है सर। बिफोर आई रैप अप द वीडियो, बलजीत सिंह, आप मिस्टर विरक, ये मैं सुन रहा हूँ बहुत लोग
ग्लैंडर्स होता है, दैट्स व्हाई यू नो पीपल वांटेड टू कैंसिल द फेयर एंड ऑल. आप सिम्टम्स बताओगे जब घोड़े को ग्लैंडर्स होने वाला है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस बीमारी? सिम्टम्स यानी क्या लक्षण होते हैं? साइनस सिम्टम बताता हूं सर. वो क्या होता है कि एक तो उसके नाक से रनिंग रोज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. सेकंड, उसके पूरे बॉडी पे पिंपल टाइप्स हो जाएंगे और उसमें से पस निकलना शुरू हो जाएगा. ओके. घोड़े को फीवर रहेगा, घोड़ा खाना पीना छोड़ देता है. ये मेन साइनस सिम्टम होते हैं. सो एक तो नाक से म्यूकस आएगा, हाँ, कंटिन्यू चलेगा. ओके. और क्या बीमारी? उसमें भी पेट दर्द होता है काफी, घोड़ा रोल करेगा कई बार, कुछ कंडीशन में करता है, कुछ कंडीशन में नहीं भी करता. और जब ग्लैंडर हो गया घोड़े को, देयर इज नो क्योर, राइट? तो कितने उसकी लाइफ कितनी रहती है फिर घोड़े की? उस टाइम तो उसको इंजेक्शन लगा देना बेटर रहता है, क्योंकि अदरवाइज बहुत तकलीफ होती है इसको. नहीं तो दूसरे जानवर को भी इन्फेक्शन होने का. तो इसका जब ये बीमारी इतनी वो है, कोई इलाज अभी तक आया नहीं है इसका? अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए. 1-2% है, लेकिन अगर कोई साइन एंड सिम्टम किसी को दिखते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. उसके इन्वेस्टिगेशन करवा के अगर पता चलता है, बहुत हर्ट होता है, बहुत पेनफुल होता है जब घोड़े को सलाना पड़ता है, लेकिन इसका एक ही ट्रीटमेंट है. कोई आप नया घोड़ा लेके आए हो, डू यू क्वारंटाइन इट? उसको क्वारंटाइन करते हो दूसरों घोड़ों के पास जाने से पहले, कभी वो बीमारी लेके आया कोई? अगर तो उसमें कोई साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं तो उसको अलग रखना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि घोड़ा जब एक जगह से दूसरी जगह आता है तो वो दिल भी नहीं लगाता, मन नहीं लगता उसका. तो अगर उसको सेपरेट कर देंगे तो घोड़ा बेचैनी महसूस करेगा. आपके कोई घोड़े को अब तक ग्लैंडर्स हुआ है? नहीं, अभी तक नेवर. ओके ओके. सो व्हाट आर द कॉमन बीमारी जिससे घोड़े मरते हैं? कॉलिक. कॉलिक, वही पेट दर्द का. पेट दर्द का. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉलिक? घोड़ा दर्द बनाएगा, बैठेगा, उठेगा, और बैठ के अपना जो फेस है वो बैक की ओर जाएगा और रोलिंग करना शुरू कर देता है. तो कई बार क्या है कि वो उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है. But that is curable, right? Colic? हाँ, colic is curable. And glanders के लिए there's a vaccine. हाँ, so जितने भी घोड़े आ रहे हैं ये सारे वैक्सीनेटेड है glanders के लिए? God knows, brother. But compulsory नहीं है वो? Compulsory तो है, लेकिन जैसे ये घोड़ा है, इससे वैक्सीन लिया है? वीर जी बता पाएंगे इन्होंने ग्लैंडर्स की वैक्सीन ली है वो आपने? वैक्सीनेटेड है. ओके. कौन कौन सी वैक्सीन देनी पड़ती है घोड़े को? ये डॉक्टर्स ही लगाते हैं जी, मेरे को इतना ये नहीं पता प्रॉपर. बट ग्लैंडर्स की दी हुई है? जी जी जी. वैक्सीनेशन इनकी टाइम टू टाइम होती है प्रॉपरली. ओके ओके ब्रदर. ओके. जैसे डॉग्स की होती है वैसे इनकी भी होती है. राइट राइट. वीर जी थैंक यू सो मच. आई एम रनिंग लेट, आई टू कैच अ फ्लाइट. वंस अगेन आपका नंबर दोगे लोगों को? 9889-3499. किस चीज के लिए लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए? बिकॉज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम यू डोंट हैव एनी एनिमल, सो व्हाट डू पीपल नीड टू कांटेक्ट यू फॉर? मैं अभी दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा मैं घोड़े रखने स्टार्ट कर रहा हूं. ओके. किसी को अच्छा घोड़ा लेना है, किसी को घोड़ा अच्छा सेल करना, घोड़ा घोड़ी, तो कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर. थैंक यू. ये है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का. ये इनका एड्रेस है कुरुक्षेत्र हरियाणा. इनका नंबर नहीं डाला है, बट 5x0. हाँ, वो मैं आपको कर देता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप कर देता हूँ. ओके 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 ब्रदर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. जी इसका जो बैक है वो कितना बेटर है ना, और ये कॉल पुट्ठा ब्यूटीफुल है, लुक्स एब्सोल्युटली बेटर. नेक ईयर से भी साइड नेक प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है. अगर हाइट की बात करें तो जैसे 17 चार्ज हर कोई बोल रहा है, स्टीरॉइड से जो मर्जी कर लो. जी नेक पर सर स्टीरॉइड से हाइट बढ़ती है तो सब लोग बढ़ाते ना. लेकिन घोड़े के लिए खतरनाक होगा. बट होता नहीं होगा ना सर उससे, वो तो नस्ल होती होगी ना, क्योंकि फिर तो हर एक बंदा स्टेरॉइड दे के हाइट बढ़ाएगा. हाँ, उसमें क्या है घोड़ों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, रीनल प्रॉब्लम को, किडनीज की प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये हाइट यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन? नेचुरल. दिस इज नेचुरल. सर आर यू हैप्पी विद द हाइट? हाँ जी हाँ जी. जो मारवाड़ी प्योरिटी है जी उसमें हाइट ज्यादा नहीं होती. 63-64 इज फाइन. जिनको मारवाड़ी ब्रीड करैक्टरिस्टिक्स का पता है उनको ये पता है कि मारवाड़ी जो करैक्टरिस्टिक्स में हाइट ज्यादा नहीं होती. अच्छा अभी मुझे बहुत अच्छा एक कमेंट आया फेसबुक पे, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन शो यू दैट. किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बोला व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दी हाइट,
ये शायद क्रॉस कर करके आप देखिए जरा पड़ी है जी जी। किसी ने बोला है कि थोरोब्रेड से क्रॉस करके कहीं ना कहीं हाइट बढ़ाई गई है क्या? ये इनमें जी क्रॉसिंग के साथ ही हाइट बढ़ती है। देखो ये आप कमेंट पढ़ोगे, इट्स अ वेरी नाइस कमेंट, आप पकड़ोगे इधर ये देखिए। लो भाई आई रीड वन ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम अ फॉलोअर्स। ये लिखते हैं कि भाई आप थोड़ा रिसर्च कीजिए उस पे, मारवाड़ी की ये हाइट नहीं होती है एग्जैक्टली जी। ये इन्होंने ठीक बताया हुआ है, जो कोई भी ब्रीडर है, नया बायर है, उसको घोड़ा लेने से पहले पहले तो उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको कौन सी ब्रीड का जो है घोड़ा चाहिए। अगर वो मारवाड़ी में इंटरेस्टेड है तो मारवाड़ी जो है हॉर्सेस हैं वो ज़्यादा टॉल नहीं होते। जो मज्जू के लाइन है वो टॉल उसमें जाते हैं, या फिर जो थोरोब्रेड से मिक्स किए जाते हैं वो टॉल हाइट में लेते हैं। तो ये इसका जो हाइट का है, ये इसका फंडा है। तो ये ऑब्सेशन कहाँ से आ गया हाइट का? ये हाइट का बेसिकली जो ये हम लोगों की सोच है जी, कि जो बड़ी चीज है उसको हम ज्यादा इम्प्रेसिव मानते हैं। टॉलर लुक्स बेटर। बट इसमें जो अगर हम ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, तो मारवाड़ी की ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स से वो बाहर हो जाती हैं चीजें। राइट जी। तो हमें इस चीज को अच्छी तरह से घोड़ा चाहिए या हमें मारवाड़ी ब्रीड का चाहिए, बड़ा चाहिए या मारवाड़ी ब्रीड का चाहिए। बट स्टिल वो बड़ी हाइट के तो जीत ही रहे शोस वगैरह। वो क्योंकि लोगों की सोच ये बदल चुकी है जी, ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स को लेके, ब्रीड प्योरिटी को लेके लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। क्योंकि हाइट और मारवाड़ी में वो इन ब्रीडिंग होने के कारण तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मिक्स होने लग गया है, और वो बड़ी हाइट वालों को ही इम्प्रेसिव समझ के उनको वो लेके आ रहे हैं। पर आगे अच्छे भी दिख रहे हैं ना, इम्प्रोवाइज किया है तो नहीं, इम्प्रोवाइज किया है, लेकिन जो पहले टाइम से जो मारवाड़ी की करेक्टरिस्टिक्स आती जा रही हैं उसमें तो वो इम्प्रूव होता है, लेकिन वो प्योरिटी से बाहर चला जाता है। ओके जी, ओके। उसमें कम्पैक्ट और जो है शोल्डर से हैवी होना और नेक पोल से फाइन होना, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं मारवाड़ी की। हूफ जो है वो मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा ना बिल्कुल छोटा, और जो बड़ा साइज चला जाता है वो मज्जू के लाइन में या फिर क्रॉस करके फिर आता है उसमें। ओके, ओके। ये जो घोड़े जो हमारे जो लोग हैं जो घोड़ा बड़ा पसंद करते हैं उनको बड़ा लेना चाहिए, बड़े घोड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो ब्रीड शोज में नहीं डालने चाहिए। वो फिर यहाँ उनकी मज्जू के को रजिस्टर करा के उस पर लेके जाना चाहिए, या फिर जैसे नुकरे हैं नुकरे भी साइज में बड़े हैं। अकॉर्डिंग टू मज्जू के मारवाड़ी, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मज्जू के जो है वो लंबा घोड़ा है, उसकी बेल ज़्यादा है, जो हम लोग कई लोग अच्छा समझते हैं, हम भी अच्छा समझते हैं, लेकिन वो मारवाड़ी की ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनसे बाहर आ जाता है। ओके जी, मेरे हिसाब से ये है। बाकी बहुत इसमें समझदार लोग हैं, बड़े पुराने ब्रीडर्स हैं, तो बाकी आजकल तो लेकिन हाइट का ही चलन चल रहा है। हाइट का चल रहा है जी, ट्रेंड है जी ये तो। अब देखो जिसको आप हाइट डालोगे उसमें, हाइट वाले घोड़े में नहीं, हाइट वाला भी डालेंगे लेकिन उसको हम शो में नहीं डालेंगे। दैट विल अर्न यू मोर मनी इन ऑन दैट केस। हां, हम कमर्शियली दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर हम उसको लेंगे तो उसको हम ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स वाले उसमें शो में नहीं डालेंगे। right. जी, वो एक शौक की चीज है, या फिर मज्जू के जब रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके शोज होंगे फिर उसमें डालेंगे। जी, अगर कुछ लोग बड़े लोग हैं, ब्रीडर्स हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मज्जू के लाइन को भी रजिस्टर कराएं और उस ब्रीड को संभालें। पंजाब की ब्रीड है, हमें उनको दो ब्रीड्स को मिक्स करके जो है हम दोनों ब्रीड्स को जो है नुकसान कर रहे हैं। जी, सो कीप द ओल्ड ब्रीड, जी, स्टे हैप्पी विद द हाइट 63-64 इज व्हाट योर मैसेज इज। अब जैसे हम देखते हैं जी, जैसे रॉटवाइलर्स भी डॉग्स हैं और डॉबरमैन्स भी डॉग्स हैं, तो दोनों का जो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, वैसे ही ये हॉर्सेस हैं, मज्जू के जो हॉर्स है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो ये मारवाड़ी है इसके डिफरेंट। बस आप मज्जू की बात क्यों कर रहे हो, और भी लाइन वाले हैं जी, जो ऊंचे हैं ना? नहीं, उसमें नुकरा है, नुकरा ऊंचा है घोड़ा, उसके करेक्टरिस्टिक्स ही वो है, वो रजिस्टर्ड ब्रीड है,
उसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते जी, वो डिफरेंट ब्रीड है। मारवाड़ी में मज्जू की लाइन वाले हैं वो ऊंचे हो रहे हैं बिल्कुल जी, क्रॉस करके जो ऊंचे, अच्छी अच्छी ब्रीडिंग है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट दे लुक स्टनिंग टू द आईज। या या एग्जैक्टली, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू ब्रिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। गुरु प्यारे खालसा जन्म नाल टक्कर लेनी पैंदी है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपको होटल की तरफ गया था, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मैं नंबर नहीं था ना तो मैं साथ ले आता आपका। हाँ बस अभी आप रोज रिक्शा ढूंढते हो ना। हाँ तो बस अभी निकल ही रहा हूँ, अभी बठिंडे से फ्लाइट है मेरी। एक छोटा सा हमारा एक इंटरव्यू ले सकते हैं? मैं अभी बहुत लेट हो गया सर, सिर्फ 2 मिनट्स मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं भी निकल ही। ये है संदीप सेखवा जी। संदीप सेखवा जी हर बार कुछ ना कुछ जीतते ही है। संदीप जी, आपने रुस्तम को बाहर निकाला ऐसे विनर जी, जी। कुछ देर बाद कोई और ओनर लेके खड़ा हुआ है, बोला मैंने तो अभी खरीदा, तो ये कोई साठ गांठ थी आपस में, बिक चुका था पहले से भैया? नहीं नहीं भैया, कोई साठ गांठ नहीं, तो वो तो घोड़ा इधर से ही आया, विनर विनर बना, और उसके दो बायर हो गए थे, एक बायर और भी था यहाँ पे, फिर वो सकमा दूसरा बायर मेरे से नाराजगी जता के गया, तो मेरे को नहीं दिया, बात मैंने शुरू की थी पहले। किसी ने बोला 31 लाख में, कमेंट में बोला, बोला आपको बताया नहीं, क्योंकि हमें पता 31 लाख में मिला, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं। आप बताइए कितने में बिका? बिका तो अच्छा ही बिका माउंट भाई, आप बोल नहीं सकते ये कितने में बिका, अच्छा नहीं लगता ना कोई बात साच मानता है, जो बोलते हैं बहुत नुकरा गोल्ड स्टाइल, ये इतना महंगा कभी कोई बिका नहीं होएगा। इतने में डील हुई है, इस बात की मेरी गारंटी है। और एक बात और भी है, जो मैं खरीदा है वो मैं आपके अकाउंट से खरीद, मतलब कि ये किसी को होए कोई बाइट लगाना चाहते ना, मैं बहुत तगड़ा प्रूफ दे सकता हूँ, जरूरत भी नहीं है सर। थोड़ा भाव अच्छा है, जाहिर सी बात है, इट विल बी अ प्रीमियम हॉर्स। अभी नेक्स्ट क्या? लेकिन आप फिर वो इतनी अच्छी घोड़ी मुझे लगी थी देवसेना, उसमें लेकिन चलो मुझे तो उम्मीद थी वो। कोई बात नहीं, कोई जजों को नहीं अच्छी लगी होगी कोई नहीं, वो तो आई तो थी सेकंड थर्ड, अभी कौन सी पोजीशन पे थी? फोर्थ पोजीशन, व्हिच इज गुड। तो मारवाड़ियों में भी तो आप कुछ लेके निकलो ना बाहर।
मारवाड़ी में अभी अगले बार सारे मारवाड़ी डाल ले तो फर्स्ट आप ही होना चाहिए अगली बार। चलो भगवान करेगा वो तो नुकरो में तो झंडे गाड़े हो आपने। ठीक है, पिछले मरतब आप ही नुकरे बच्चे थे मेरे ख्याल से, उचित थे आप। घोड़ियां थी फर्स्ट सेकंड घोड़िया घोड़िया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइस हर शो में। अभी नेक्स्ट शो कौन सा आपका? अभी आ जाएगा ये रंसी गांव आएगा, अंपायर शो आएगा, थर्ड मार्च को फरीदकोट। हाँ जी है ना। और वो जो है देवसेना वो भी बेच डाले आपने? नहीं नहीं नहीं, देवसेना नहीं, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। मारवाड़ी कोई सेल नहीं, सात आठ घोड़ी है मेरे पास अच्छी अच्छी। मारवाड़ी जो है वो ज्यादा पैसे कमा के देते हैं नुकरे? मारवाड़ी में ऐसे है ना, अभी हमने एक बार नाम कमाना है इसलिए नहीं बेच रहा, अच्छी अच्छी सब। आपने अभी तक मारवाड़ी में कोई फर्स्ट प्राइज नहीं जीता? नहीं अभी तक नहीं। और ये कहाँ की कंपनी है आप? सर ये बेसिकली जो रजिस्टर्ड है ये कंपनी फ्रॉम देहरादून, आई एम आल्सो बिलोंग्स टू देहरादून। ओ यू आर फ्रॉम देहरादून? या आई एम फ्रॉम देहरादून, आई हैव कम टू देहरादून मसूरी बनौटी। या या दिस इज माय बर्थ प्लेस। सो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 28 इयर्स। ओके जी। सो वी हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट लैमिक्स, brand name is Lamix. It's also available on Amazon. Yeah, it is also available. What does this do? What ये product करता क्या है? मैंने ऐसा आता है कि सर की जो horses में एक बड़ी common सी problem है laminitis की। Laminitis क्या होता है वो? So laminitis is a problem of foot and hooves. तो इसमें क्या होता है कि इसमें घोड़े के पैर जो है थोड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका जो फुट है जो उसका हूव्स है वो उसमें क्रैकनेस आ जाती है या उसके अंदर कुछ वूंड्स वगैरह बन जाता है। सिम्टम्स क्या है उसके? उसमें सिम्टम क्या, घोड़ा जो है लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। आपको पता है इफ़ देर इज़ नो हूव्स देन देर इज़ नो एनिमल, नो हॉर्स। सो वी हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट सिंस लास्ट 7 ईयर बैक एंड वी हैव ए वेरी गुड नेम इन दिस प्रोडक्ट लैमिक्स। So it is being sold in many parts of the country. But ये जब problem होगी तभी ही देना है कि आपको इसको वैसे as a preventive भी दे सकते हैं इसमें, as a for a prevention of, because नुकरो घोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा laminitis की problem होती है as compared to मारवाड़ी breed में। Okay. So इसलिए अगर अगर आपको इसको laminitis से बचाना है, इसमें एक छोटा सा spoon है, this is just doses of 7 grams, तो आपको regularly दे सकते हैं उसको। तो उसमें कैसे देने का तरीका क्या है? इसको आप किसी भी ग्रेन में, फीड में, ऊपर से इसको टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक स्पून डालना है? एक स्पून डेली का डालना है उसका। ये कितना, आधे किलो का है ये? ये पूरा 1 kg का। 1 kg कितना चलेगा ये? करीब 2 महीना आराम से निकल जाता है इसमें। और है कितने का ये? जस्ट 1500 का इसका प्राइस है। 2500 इसका MRP है, बट जो होलसेल प्राइस है वो होलसेल प्राइस में ही बिकता है। आपको पता है MRP में कुछ नहीं बिकता। बट ऐसा होता है कि अगर ये सब देते तो इनकी आदत सप्लीमेंट्स की आदत पड़ जाती है? नो नो नो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें सप्लीमेंट की कोई आदत डलने वाली कुछ नहीं। देना है क्योंकि अगर there are certain things which are very essential, there are certain things that are not essential. Yeah, this is not a must have, right? But now I'm telling you, this is a product which is used not only for laminitis and it is for usage of reproduction and for production in cases of in case of infertility you can give, and for shining of the skins you can give this product. तो ये ऑर्डर करना है तो कोई वेबसाइट वगैरह है क्या? हाँ वेबसाइट भी है, दिस इज primeagrovet.in इज आवर वेबसाइट एंड इट इज प्रोडक्ट्स इज वेरी मच फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इन Amazon। ओके, दिस इज द वेबसाइट एड्रेस। या primeagrovet.in यू कैन आल्सो बाय ऑन Amazon। बट Amazon पे 2500 का मिलेगा या 1500? नहीं, वहाँ उसके अंदर इसमें से सिर्फ उनके जो चार्जेस हैं, जो उनके शिपिंग चार्जेस हैं वो एक्सक्लूसिव है, उसके अलावा मिल जाएगा। डिलीवरी ओनली इन इंडिया? हाँ, डिलीवरी इन ओनली इन इंडिया। ठीक है जी, थैंक यू सो सो मच। और क्या है हमारे पास इसके अलावा? सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर हॉर्सेस, दिस इज़ कॉल्ड हॉर्स मेगा ऑयल। दिस इज़ अ प्रोडक्ट फॉर omega-3 fatty acid एंड omega-6 fatty acids। इट इज़ प्रोडक्ट, बट वो अगर फीड में ही दे देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना? एक्चुअली सर क्या होता है कि देर इज़ अ टेक्निकल पार्ट, जो फीड में हम कोई भी अगर फीड देते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो omega-6 ज़्यादा होता है उसके, तो ओमेगा 3 को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू गिव सप्लीमेंट। ओके, राइट नाउ सो वी हैव इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच इज़ वेरी यूजफुल इन हॉर्सेस
for production, reproduction, for the shining, and moreover the systemic inflammation. Okay. This product is doing very good product. Actually, all the products here, but I'm running short of time, sir. Yeah, I have to. But thank you so much. Jis kisi ko bhi order karna hai, just call him up, okay? Thank you so much. Ye address website pe dalna. Yeah. Fantastic. Aapka number kya hai वैसे? 94172-00359. और आपका पूरा नाम सर? गुरचरण सिंह जसल. और इसकी ऑफिस कहाँ पर है? लुधियाना में. We are being situated in Ludhiana. Okay. Thank you. कोई recommendation है? कोई testimonial है client का कि भाई हमारे को ये problem? अभी तक हमने ऐसा testimonial तो नहीं है, but there are so many experiences or farmers are available. This product is very much popular amongst the horses, horse farm. Okay, fine. Thank you so much, sir. Thank you very much. First March से 3rd March है फरीदकोट शो. फरवरी में होने वाला है जोधपुर शो. सो ये था हमारा सफ़र 2024 के मुक्सर हॉर्स फेयर का. There are a few things that I want to discuss. The first thing is the response. Thank you so much. The response has been amazing. I've received a lot of response from Canada and USA. A lot of people have watched our channel from Canada and USA. पंजाबी मेरे ख्याल से मोस्टली जो कैनेडा में है, जो हॉर्स के शौकीन हैं, वो हमारा चैनल देखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और रही बात कुछ इशू की, जैसे बहुत से लोग लैंग्वेज को इशू बना देते हैं कि भाई मैं पंजाबी में बात क्यों नहीं करता हूँ, भाई मुझे पंजाबी नहीं आती है. ठीक है, मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आती है और टूटी फूटी गुजराती आती है, बट आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी. ठीक है, समझ में आता है हल्का फुल्का. दैट्स वाई आई आस्क क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश, ताकि मैं समझ सकूँ. और रही बात लोग इशू बनाते कि भाई अंग्रेज़ी क्यों डाल देते हो बीच में. एक्चुअली बॉम्बे में हम ऐसे ही मोस्टली बात करते हैं, हिंदी के बीच में कुछ अंग्रेज़ी आ जाती है, बिकॉज वैसे ही आपका फ्रेंड सर्कल होता है, सो आदत हो जाती है. ठीक है, कुछ इसमें बड़ाई मारने वाली बात नहीं. दैट्स हाउ वी स्पीक इन बॉम्बे. और रही बात मेरी जर्नी की, पहले तो यू नो आई थॉट कि भाई मैं पंजाब मेल पकड़ के दिल्ली जाऊँ और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मुंबई आऊँ, क्योंकि पंजाब मेल से मुंबई आना यानी बहुत ही पेशेंस वाला काम है, 3 दिन का सफ़र होता है. सो समबडी टोल्ड मी, अवतार संधु, वन ऑफ अ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम लंडन, ही मेट अस एट मुक्सर हॉर्स फेयर. उन्होंने बोला कि भाई भटिंडा एयरपोर्ट जो है, इट इज़ नाउ फंक्शनल. देर आर फ्लाइट्स दैट गो फ्रॉम भटिंडा टू न्यू दिल्ली क्वाइट ऑफ्टन. सो आई बुक द टिकट फ्रॉम भटिंडा टू न्यू दिल्ली और मैं पहुंचा भटिंडा एयरपोर्ट, विच वॉज ऑन दी आउटस्कर्ट्स. मैं जब दोपहर में निकला था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि भाई वहाँ पे कुछ खाने मिल जाएगा, एंड आई डिडंट हैव माय फूड इन मुक्सर. तो मैं पहुंच गया भटिंडा एयरपोर्ट, जो कि यू नो काफ़ी आउटस्कर्ट्स में है और बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में है ये. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना फूड आउटलेट है, ना ही यू नो टी काउंटर है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ आपको पानी मिलेगा एंड देयर इज वॉशरूम, एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि ज़्यादा फ्लाइट वहाँ से रन नहीं करती है. सो आई बोर्डेड दिस फ्लाइट, अलायंस एयर का टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है ये. सो आई बोर्डेड दिस एयरक्राफ्ट एंड आई रीच दिल्ली इन 1.5 आवर. आइडियली आई सपोज टू रीच इन 1 आवर, बट दिल्ली में जो है इतना कंजेशन है, आई मीन एयर ट्राफिक कंजेशन, बिकॉज आर टू मैनी फ्लाइट्स रनिंग टू दिल्ली, और काफ़ी फॉग भी है, तो इसीलिए पहुँचने तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटा लग गया. फिर दिल्ली से मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया, चेक इन बैगेज, एंड देन आई चेक इन अगेन विद अ डिफरेंट एयरलाइन, एयर इंडिया. भटिंडा टू दिल्ली आया था अलायंस एयर में, फिर दिल्ली टू बॉम्बे
Air India. I had some food at Delhi airport, wasn't that tasty, but what to do, I was very hungry. So I had this biryani, which it didn't even look like biryani. Then I boarded a flight, the Air India flight, which was 1 hour late because of the traffic. Then I reached Mumbai. Mumbai airport se auto mil gayi mujhe. Ye hai Mumbai, aur main pahunch raha hoon mere ghar raat mein. Ye hai Jogeshwari. That's where I stay in Mumbai, very close to the airport. Airport ke kareeb hi hai. Ye aap dekh rahe ho, very well painted walls. बाला साहेब ठाकरे का फोटो है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन का कूली का पोस्टर है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो पेंटिंग दैट यू सी एज यू रीच माई होम इन जोगेश्वरी वेस्ट. एंड आई रीच आई थिंक रात को 1:45 बजे मैं पहुँचा. एंड दिस इज़ माई होम एंड दीज आर माई यूट्यूब प्ले बटन्स. एंड ये है मेरे घर का बाहर का व्यू. So I hope you enjoyed my Muxer stay and my Muxer vlogs. Thank you so much and keep commenting. It motivates me a lot. Thank you so much.